So good morning, and let us start in continuation the formation of sentences. Other day we had completed present and past indefinite, and today we will go ahead with future indefinite. So first of all, as in past we studied, there are two things which we should know. One is identification, second is rule how to make sentence. Okay? Yes. So you have been taught very well about the sentence formation and also the identification of future. I would like to repeat on the same lines, because without knowing identification, teaching is of no meaning. तो आप मुझे बताएंगे कि फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर किसे कहते हैं? जो जो आएगा, जो आएगा, कल आएगा, जो कल आएगा, उसको फ्यूचर कहते हैं। और पास्ट किसे कहते हैं? जो चला गया, जो चला निकल गया। और प्रेजेंट किसे कहते हैं? जो चल रहा है आज, आज, राइट। सो फ्यूचर मीन्स जो आएगा। तो कैन यू टेल मी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर tense? I'm not asking future indefinite. I'm asking future tense. What is identification of future tense? Future tense का पहचान क्या है? बताइए मंसर। गा गी गे। जो वर्क होता है और sentences के end में गा गी आते हैं, उनको हम future कहते हैं। Do you agree? Yes sir. Do you agree? Yes sir. Any new opinion about this thing? Should we lock? ताला लगा दे? Yes sir. Means what she said is fine? Yes sir. गा घी गे से जो एंड होते हैं sentences, that are called future. Future. Then how many parts are there in future tense? Tell me. Future indefinite. Yes. Future continuous. Future perfect. Future perfect continuous. Do you agree? Yes sir. Do you agree? Yes sir. So we are locking it, right? Yes. Means future, what is future you told? Identification. So you told also the breakup parts. Now you tell me, when you tell say that future indefinite. So what is future indefinite? किसे कहते हैं future indefinite? बताइए. Sir, गा गी गे, sir, tell me. ये तो future हो गया. Future indefinite किसे कहते हैं? पूरा sentence बताइए कोई future indefinite का. मैं जाऊंगा. मैं जाऊंगा. इसी तरह और बताइए, प्लूरल का बताइए. मैं, हम खेलेंगे, हम खेलेंगे. फेमिनिन जेंडर का बताइए, सब्जेक्ट. सब जेंडर, फेमिनिन जेंडर. जेंडर कितने तरह के होते हैं? टू. कौन से? फेमिनिन और मैस्कुलिन. मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. तो फेमिनिन जेंडर बताइए सर. मतलब सर बताइए फेमिनिन जेंडर, आप बताइए. वह खेलती है. खेलती है, फेमिनिन माने लड़की, लड़की, वुमेन. वह खेलेगी, 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 वह खेलेगी. तो इसको क्या कहते हैं? फेमिनिन. एफ ए एम आई एन आई एन, फेमिनिन जेंडर. जेंडर माने जी एन डी आर. जेंडर कितने होते हैं? दो होते हैं इंग्लिश में. यस सर. कौन से कौन से? मैस्कुलिन. और तीसरा एक जेंडर होता है कॉमन जेंडर, जैसे बुक. बुक, बुक क्या है? कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर, राइट. yes, इसी तरह से कैमरा, कैमरा इज कॉमन जेंडर. सो हाउ मेनी जेंडर्स आर देयर? देयर आर थ्री जेंडर. वन इज मैस्कुलिन, वन इज फेमिनिन, वन इज कॉमन. अंडरस्टैंड? सो यू हैव टू मेक टेंस सेंटेंस इन ऑल थ्री जेंडर्स. ओके, आप बताइए फेमिनिन जेंडर का बताइए. वह खाती है. मैस्कुलिन का बताइए, खाएगी. मैस्कुलिन का वो फ्यूचर बता रहे हैं ना, तो क्या होगा? वह खेलेगा. वह खेलेगा. कॉमन जेंडर बताइए. बुक रखी जाएगी. नो. कैमरा चलेगा. ओके, कैमरा चलेगा, कैमरा चलेगा, ठीक है. तो ये जो है, लेकिन देखो जो फिक्स्ड जेंडर, जो सब्जेक्ट फिक्स्ड होता है, जो फिक्स्ड
होता है उसको हम अवॉइड कर दें। लेकिन इसने बता दिया लड़की ने, अच्छा बताया, कैमरा चलेगा है, स्कूल खुलेगा, क्या है स्कूल खुलेगा, तो स्कूल क्या है कॉमन जेंडर, राइट, ठीक है, वेरी क्लियर, नो डाउट। बट इज हाउ टू मेक सेंटेंस, रूल क्या है, बट द रूल, रूल फ्यूचर इंडेफिनिट को बनाने का क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो शैल आपने जो बताया बड़ी दी, शैल शैल का लगता है सर आई और वी में, आई या विल होता है सब्जेक्ट, तो शैल लगेगा सर, और विल कहाँ लगेगा सर बाकी और सारे सब्जेक्ट्स में, जैसे कैमरा है तो विल आएगा, यस सर, ही है तो विल आएगा, सी है तो विल आएगा, लेकिन यदि आई या वी है तो शैल आएगा, शैल आएगा। तो आई और वी का बताइए कोई सेंटेंस हिंदी का, मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा। दूसरा वी का, हम खाएंगे, हम खाएंगे। तो अब रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस फर्स्ट पोजिशन ऑफ वर्ब, राइट, यस सर। सो यू टेल मी सम सेंटेंस, बताइए कुछ, एक सेंटेंस बताइए और इंग्लिश भी बताइए उसकी। हम पढ़ेंगे, हाँ, वी शैल रीड, यस। दूसरा बताइए, मैं खाऊंगा, आई शैल ईट, हाँ। वह गाना गाएगा, यस, दे विल सिंग सॉन्ग, गाएगा तो ही आना चाहिए, ही विल सिंग सॉन्ग, वे गाना गा, सामने वे बोला था, दे, तो देखा बताइए कोई, वे खेलेंगे, हाँ, क्या हुई अंग्रेजी, दे विल प्लेइंग प्ले, एनी डाउट, नो सर, क्लियर, यस सर। अब प्लूरल, सॉरी, फेमिनिन जेंडर बताइए कोई, फेमिनिन जेंडर का सेंटेंस बताइए हिंदी, वे नाचेंगी, यस, क्या हुई अंग्रेजी, दे विल डांस, गुड, वे नाचेंगी, यस। मैस्कुलिन का बताइए, वह पढ़ेगा, यस, बताइए इंग्लिश, ही विल रीड, सो पॉइंट इज क्लियर, यस सर। प्रेजेंट इंडेफिनिट इज ओके, यस सर, सॉरी, पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट इज ओके, यस सर, क्लियर, यस सर। नाउ यू टेल मी फ्यूचर कंटिन्यूअस, व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन, फ्यूचर कंटिन्यूअस का आइडेंटिफिकेशन क्या है, बोलिए जल्दी बोलिए, क्योंकि आपका रहा होगा, रही होंगे, रही होगी, ठीक है, क्लियर, एनी डाउट, नो सर। इसमें एक एक सेंटेंस बताइए क्विकली, जा रहा होगा, सेंटेंस बताइए पूरा, वह खेल रहा होगा, अंग्रेजी बताइए तुरंत, क्विक, दे विल प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग, रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वी प्लस वर्ब प्लस आई एन जी, और सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस वर्ब प्लस आई एन जी, शैल प्लस बी, गॉट, इसके बीच में क्या लगता है, विल बी, शैल बी, आप बताइए सेंटेंस क्विकली, बताइए, हम पढ़ेंगे, हाँ, हम पढ़ेंगे नहीं बना सेंटेंस, कंटिन्यूअस का बताइए, कंटिन्यूअस हम पढ़ रहे होंगे, हाँ, क्या हुई अंग्रेजी, वी शैल बी रीडिंग, एग्री या डाउट, नो सर, पक्का, यदि गलत के साथ में गलत बताओगे तो जरूर पिटोगे, ओके, मैं छोड़ूंगा नहीं, अंडरस्टैंड, और नाउ पॉइंट स्टार्ट्स, इसके बाद गलती करोगे तो पिटाई होगी, अभी तक हमने आपको वार्म अप किया, क्या किया, वार्म अप, क्या होता है, महल को गर्म किया, वार्म अप कहते ना, है जब पहले धीरे से लगता है, फिर बड़े तेज लगता है, पहले मुर्गा बनाया जाता है, मुर्गा बनाने के बाद फिर चाटो लगता है, फिर दूसरे दिन डंडा लगता है, अभी तक क्या किया आपने, वार्म अप, डब्ल्यू ए आर एम पी यू पी, वार्म अप, वार्म अप माने एटमॉस्फेयर को
अभी हम कहां थे? यहां थे। अब हम डिस्कशन की लेवल में आ गए, यहां पे अब डिस्कशन हो रहा है, इस लेवल पे हमारा माइंड आ गया। हमारा डिस्कशन कहां से स्टार्ट होना चाहिए? इस लेवल पे। ये नहीं कि हम जमीन से चल रहे, बिकॉज वी आर इन सेवेंथ स्टैंडर्ड। तो हमें एक माहौल क्रिएट करना चाहिए। हम जब बात करें, ये नहीं कि एबीसीडी सुनाइए, एबीसीडी सुनाने का मतलब क्या हो गया? वहां से हो गया। हम कहां से चालू कर रहे हैं? अंडरस्टैंड? सो हर व्यक्ति का एक लेवल होता है, उसी लेवल पे वर्क करेगा। माइंड सेट होता है। अंडरस्टैंड? मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं दूसरी चीज पढ़ा रहा हूं जो लाइफ में काम आएगी। आप जाके कहीं पे एबीसीडी सुनाने लगेंगे तो क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे? ये तो पगला, सेवेंथ में पढ़ रहा है, एबीसीडी सुना रहा है। सेवेंथ में पढ़ रहे जाके कहीं सर हाउ आर यू, तो वो अच्छा लगेगा उसे। हाउ डू यू डू? अच्छा लगेगा। सर मे आई नो योर नेम? आपसे बड़ा है तो क्या कहेंगे? मे आई नो योर? क्या प्लीज अपना नाम बता दीजिए। बट योर नेम किससे कहते हैं? बराबर में कहते हैं या छोटे से कहते हैं? मे आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेल मी योर नेम? मे आई रिक्वेस्ट यू फॉर योर इंट्रोडक्शन? अनिश्चय कैसे कहते हैं? मे आई रिक्वेस्ट फॉर योर इंट्रोडक्शन? अब देखिए क्या है, जो प्रॉपर इंग्लिश है उसमें इंट्रोडक्शन नहीं कहते, उसमें कहते हैं मे आई रिक्वेस्ट फॉर योर रेफरेंस? रेफरेंस। मे आई रिक्वेस्ट यू फॉर योर रेफरेंस? अंडरस्टैंड? यस सर। क्या होती है, ये इंग्लिश है प्रॉपर। मे आई रिक्वेस्ट फॉर योर रेफरेंस प्लीज? टेल मी। नहीं, मे आई रिक्वेस्ट फॉर योर रेफरेंस प्लीज? तो वो बताएंगे आप दिस दिस एंड दिस। ओके, व्हाट इज योर नेम? तो क्या कहेगा? डंडा उठा के एक बार गया सिर में। कैसे कहेंगे? मे आई रिक्वेस्ट योर रेफरेंस प्लीज? ओके, राइट। सो हम कहा थे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में नी डाउट? नो सर। सब्जेक्ट में भी मैस्कुलिन, सब्जेक्ट में भी फेमिनिन, सब्जेक्ट में भी सिंगुलर, सब्जेक्ट में भी प्लूरल। एवरी वेयर यू विल यूज विल बी प्लस वर्ब प्लस वर्ब आई एन जी प्लस विल प्लस बी प्लस आई एन जी। ओके, और यदि सब्जेक्ट आई और बी है तो शैल बी प्लस वर्ब। क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नो सर। पांच पांच सेंटेंस बना के लाएंगे घर से? यस सर। अंडरस्टैंड फॉर एवरीथिंग? यस। अभी तक पीछे के भी बनाए हैं, वो मैंने चेक किए, आज इसके भी चेक करेंगे, राइट? यस सर। सो नाउ थर्ड इज व्हाट दैट? थर्ड फ्यूचर? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट? चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। बोलिए। चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। एग्री? यस सर। ओके, नाउ बताइए, सेंटेंस बताइए इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए। कीपिंग इन माइंड द सब्जेक्ट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, मे बी फेमिनिन, मे बी मैस्कुलिन, मे बी सिंगुलर, मे बी प्लूरल, मे बी अदरवाइज, मे बी कॉमन जेंडर। सो यू टेल मी नाउ। वे टीवी देख चुके होंगे। हाँ, बताइए इंग्लिश क्या हुई? दे विल हैव वॉचिंग वॉच्ड टीवी। बताइए। वे खेल चुके होंगे। नहीं, ये सही है। वो कहती है दे विल हैव वॉच्ड टीवी। यस सर। सही है? यस सर। मंत सर। हाँ सर। नो मनसा ने हिंदी क्या बोला था? वे टीवी देख चुके होंगे। अंग्रेजी क्या बताई? दे विल हैव वॉच्ड टीवी। दे विल हैव वॉच्ड टीवी। यस। क्या है सर? सर इसमें तो हैव का यूज होता है। नो। खड़े हो जाओ सर, गलती हो गई सर। तो खड़े हो जाओ, गलती मेरे तो क्या गलती थी? तो सुधरोगे नहीं, दिमाग नहीं। सर, हमारा चलो एक कान पकड़ो, धीरे से पकड़ो, उधर कैमरे में दिखाओ कान। अब गलती करेंगे आगे? नो सर। क्योंकि आप सुन नहीं रहे थे ढंग से, आप कहीं दूसरी जगह थे। यू वर नॉट मेंटली प्रेजेंट हियर, यू शुड बी मेंटली प्रेजेंट। सुनाओ, सुनिए क्या सेंटेंस बोला था? वे टीवी देख चुके होंगे। चलिए आप बताइए अंग्रेजी क्या हुई? दे विल हैव वॉच्ड द टीवी। राइट? यस सर। वॉच वॉच्ड वॉच्ड। ओके, वॉच माने देखना, टीवी के लिए वॉच आता है। यस सर। सी नहीं आता? यस सर। लुक नहीं आता? नो सर। लुक कब आता है? सर हम किसी को दिखा रहे हैं, सर को देख रहे हैं खुद नहीं, किसी कहते लुक यार कहने, मतलब उसमें सिर हटाना पड़े। सुनिए बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, सिर आपको घुमा के देखना पड़े तो लुक कहते हैं।
ओके यस सर। ही इज लुकिंग नहीं होगा, इसको बाद में बताएंगे, बहुत बेस्ट चीज है। लुक कब आता है, जब आपको इमीडिएट कोई आपसे कहे लुक तो आप इधर देख रहे थे एकदम इधर देखने लगे, तो इससे क्या कहते हैं लुक, अंडरस्टैंड यस सर। वॉच और लुक में कोई अंतर नहीं, केवल अंतर है समझने का। वहां टीवी देख रहे हैं, आई एम वॉचिंग टीवी, क्या होगा वॉचिंग टीवी, नो आई वॉच, आई वॉच टीवी, आई वॉच टीवी, वॉच टीवी देखना क्या है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव तो क्या आएगा आई वॉच, अंडरस्टैंड यस सर, क्लियर यस सर। हाँ तो इसी तरह से वह टीवी देख रहा होगा, ही वुड हैव बीन, ही वुड बी वॉचिंग टीवी, राइट, क्लियर यस सर। एनी डाउट, नो सर। पांच पांच सेंटेंस बना लेंगे, यस सर। सिंगुलर प्लूरल मैस्कुलिन फेमिनिन कॉमन जेंडर लाइक बना लेंगे, यस सर। पांच पांच सेंटेंस बना के लाइक देखिए, जेंडर मैंने आज आपको क्यों बताया, क्योंकि स्टार्टिंग में बताते तो आप कंफ्यूज हो जाते, मैं धीरे धीरे आपको बार में कर करके लाया हूं, ओके। पांच तरह के सेंटेंस हो सकते हैं, ओके यस सर। सो वी हैव कंप्लीटेड फ्यूचर परफेक्ट, नाउ लास्ट इज व्हाट दैट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सर, समय के साथ से रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, गुड। समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। समय कितने तरह की होती है, सिंस सर टू टाइम, बोलो बोलिए टू, डेफिनेट और इनडेफिनेट, जब डेफिनेट होगा तो क्या लगेगा सिंस, और इनडेफिनेट होगा तो फोर, ठीक है yes, तो आप इनको सबको ध्यान में रखते हुए आपने जो सेंटेंस बनाने हैं, कुछ सिंस के बनाने हैं, कुछ फॉर के बनाने हैं, और बताइए हिंदी का सेंटेंस एक बताइए, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, वह सुबह से पढ़ रहा होगा, वह सुबह से पढ़ रहा होगा, ओके। अब इसकी अंग्रेजी बताइए, बताइए इंग्लिश, आराम से सोचिए, बताइए वह सुबह से पढ़ रहा होगा, ही विल हैव रीडिंग सर, दोबारा बोलना सर, वह सुबह से पढ़ रहा होगा, ही विल हैव रीडिंग फॉर सिंस मॉर्निंग, फिर बताइए एक बार, ही विल हैव रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आप बताइए, ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या अंतर है सर, बीन नहीं लगाया, क्यों खड़े होइए, क्यों नहीं लगाते, एक ही क्लास में पढ़ाया जाता है, एक ही क्लास में सब कुछ किया जाता, क्यों नहीं कर पढ़ते, क्या कारण है, टेल मी द रीजन यू आर नॉट प्रेजेंट हियर, क्या कारण बताइए, सर ये एक क्लास होता है, बहुत ढंग से पढ़ाया जाता है, उसके बाद हम नहीं समझ पाते हैं, रूल क्या है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाने का, रूल सब्जेक्ट प्लस प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस सिंसियर टाइम प्लस सिंसियर, क्लियर, देन व्हाई आर नॉट एबल टू मेक सेंटेंस, जब आपको रूल पता है तो फिर क्यों नहीं बना पाते, क्या गलती होती है, क्यों होती, जल्दीबाजी करते हैं, जल्दी करते हैं, आप दिमाग प्रॉपर नहीं करते, या आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा क्लास है, इसमें इंसल्ट होगी मेरी, क्यों, ही आर वेरी होमली एटमोस्फियर इज देयर, इससे अच्छा पढ़ाया जा सकता है क्या सर, फिर चलिए, वह 3 दिन से पढ़ रही होगी, अंग्रेजी बताइए, ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 3 डेज, वह के साथ में क्या घी था सर, मैंने घी बोला था,
घी बोला था या घे बोला था, गा बोला था? सर वह सुबह से पढ़ रहे होंगे, होगी। मैंने कहा था वह सुबह से पढ़ रही होगी। सी, सॉरी सर, सी विल। बोलिए। सी विल हैव बीन रीडिंग फॉर थ्री डेज। सुबह से? सर सुबह से। हाँ। सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, ठीक है। यस सर। आप चलिए खड़े हो जाइए, बैठ जाइए। हम सुबह से गाना गा रहे होंगे। We shall have been singing a song. सर एक बार। हम सुबह से गाना गा रहे होंगे। We shall have been song since morning. We shall have been singing a song. तो singing क्यों भूल जाते हैं? क्या कारण है? बताइए क्यों भूल जाते हैं? फिर क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत करने का, पढ़ने का? मुझे शर्म आती है आप लोगों को पिटाई करने में, लेकिन आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए ना। बोलो। मुर्गा सुबह से खाना खा रहा होगा। मुर्गा सुबह से खाना खा रहा होगा। मुर्गा की अंग्रेजी क्या है? मुर्गी की है तो कुक। कॉक। कॉक माने खाना। हाँ बताइए अब कॉक की स्पेलिंग। सी ओ सी के। कॉक। कुक विल हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। यहाँ कैसा मुर्गा, कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर है। कॉमन। ठीक है। यस सर। क्लियर करो भाई, पिटाई करूंगा मैंने। okay. समझे? धुनाई करूंगा, धुनाई। सिट डाउन। मनसा आइए बताइए। मनसा और प्रिंस एक जनवरी से पढ़ रहे होंगे। मनसा एंड प्रिंस एक जनवरी से पढ़ रहे होंगे। मंतशा एंड प्रिंस विल हैव बीन रीडिंग सिंस फर्स्ट जनवरी। हाँ, एक और सेंटेंस बता रहा हूं मैं आपको। मैं और प्रिंस तीन दिन से स्कूल जा रहे होंगे। मैं प्रिंस। हाँ बताइए। मैं और प्रिंस, आई एंड प्रिंस, ऐसे नहीं बताओ। आई एंड प्रिंस विल बी विल हैव बीन हाँ Going to school हाँ for three days। अब इसमें मैंने क्यों ये सेंटेंस यूज किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आई और वी कैसा है? फर्स्ट फॉर्म। यू कैसा है? सेकेंड फॉर्म। और ही कैसा है? थर्ड फॉर्म। समझे? यू एंड दे कैसा है? सेकेंड फॉर्म। अंडरस्टैंड? लाइक आई और वी कैसा है? फर्स्ट फॉर्म। और यू एंड दे सेकंड फॉर्म। सेकंड। और ही एंड दोस थर्ड। अंडरस्टैंड? यस सर। क्लियर? यस सर। तो जब दो फर्स्ट और सेकंड या थर्ड आएगा तो सेंटेंस बनाते टाइम पहले थर्ड फॉर्म को यूज किया जाएगा, फिर सेकंड को किया जाएगा, फिर थर्ड को किया जाएगा। 321 का फार्मूला लगेगा। 321 याद करिए लाइफ में। तो क्या होगा इसमें? प्रिंस एंड आई, आई एंड प्रिंस नहीं होगा। प्रिंस एंड आई विल हैव बीन रीडिंग फॉर लास्ट थ्री डेज। अंडरस्टैंड? यस सर। क्लियर? यस सर। इन केस सब्जेक्ट इज ए मिक्स्ड वन और कॉम्बिनेशन ऑफ टू देन ए फार्मूला ऑफ 321 विल अप्लाई। पहले थर्ड आएगी,
फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। अंडरस्टैंड? फर्स्ट कभी पहले नहीं आएगा। ओके सर। ठीक है, क्लियर? यस सर। मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूं और आप इसकी सेंटेंस बना के लाएंगे। ओके सर। अभी तक हमने कैसी वर्ब पढ़ी है? एक्टिव वर्ब। दूसरी कौन सी वर्ब होती है? इनएक्टिव वर्ब का मतलब कहा है? जहां पे कोई बॉडी पार्ट्स मूव नहीं कर रहा हो। यस सर। सब्जेक्ट का कोई भी पार्ट मूव नहीं कर रहा हो वो कब होता है? जब हमारी फाइव फैकल्टीज से कोई वर्क होता हो। ह्यूमन बॉडी में कितनी फैकल्टीज है? फाइव। कौन सा कौन सा? आई, आई, नोज, ईयर, टंग, स्किन। अंडरस्टैंड? यस सर। सो दीज आर दी फाइव फैकल्टीज। वेन एनी वर्क इज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ दीज फाइव फैकल्टीज, सो वर्ब इज ऑलवेज इनएक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, मैं सोच रहा हूं। देखिए, नो नथिंग इज मूविंग। यस सर। यस सर। मैं सोच रहा हूं। मैं भूख महसूस कर रहा हूं। यस सर। नथिंग। यस सर। मैं सुन रहा हूं। इनएक्टिव। मैं देख रहा हूं। यस सर। तो कोई भी चीज बॉडी का वर्क हो रहा है बट इनएक्टिवली वर्क। इनएक्टिव वर्क का जब भी यूज होता है तो जब हिंदी के सेंटेंस कहते हैं, जैसे मैं सोच रहा हूं, तो इसकी वैसे नॉर्मल कोर्स में क्या अंग्रेजी हुई? आई एम थिंकिंग। आई एम थिंकिंग। लेकिन चूंकि इनएक्टिव है वर्ब तो क्या अंग्रेजी होगी? आई थिंकिंग। क्या होगा? आई थिंक। आई थिंक। आई थिंक इंडेफिनिट में बनेगा। मैं महसूस कर रहा हूं। आई फील। आई फील। ठीक है। यस सर। मैं सुन रहा हूं। आई लिसन। मैं देख रहा हूं। आई सी। अंडरस्टैंड? यस सर। क्लियर? यस सर। ये बात आपको समझ में आ गई? यस सर। आज इंग्लिश का एक बहुत कई चीजें इंटीकेसीज हमने बताया है, बिकॉज इंटीकेसीज अंटिल यू नो इट इज डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश। इंटीकेसीज या न्यूएंसिस, न्यूएंसिस माने छोटी छोटी बातें, इंटीकेसी माने जटिलताएं। सो वी हैव कंप्लीटेड सेंटेंस ऑफ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर and all indefinite, all four types. Yes, sir. This is all without negativity. So now we will come forward second day, other day for नहीं खाता हूँ, नहीं जाता हूँ, like that. Yes, sir. Okay. How many parts are there? Simple sentence, negative sentence, interrogative sentence, and exclamatory. Exclamatory. ठीक है? Yes, sir. जैसे oh, I'm sad. जैसे ओ सॉरी, तो ये कैसा एक्सक्लेमेटरी जो एकदम धक्का लगता है, तो उसको कहते हैं। सो नाउ वी आर वाइंडिंग अप, वी विल क्लोज बिकॉज नाउ चैप्टर इज ओवर एंड पांच पांच सेंटेंस बना के लाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विच वी हैव डन। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।